So in 2012, in fact, I came back with my family and then I went to another country on a rotation job. So during that year, 2012, I was looking for a school to put my kids, enroll my kids for education. जहाँ पे ये दोनों चीज़ों के ऊपर इक्वली फोकस किया जाता हो कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और एक जो ना बेस्ट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस हो रही हूँ. ये है आन हमारी अपने चमन में फूल और शबनम एक है हम एक हैं हमारा परचम ये प्यारा परचम ये परचम. बच्चों के साथ एसोसिएशन की जाती है बहुत उनके साथ मोहब्बत के साथ प्यार के साथ. तो मैं तो मिलती भी जब बच्चों को आकर सुबह सुबह हूँ ना तो हर कोई बच्चा आकर मुझे अगर अस्सलाम वालेकुम कह के ज़रा प्यार से मिले तो मेरा तो दिन वैसे ही बहुत ही अच्छा गुजरता है. सेटलमेंट ऑफ द कैंपस से लेके इसमें हायरिंग ऑफ द स्टाफ आप ले लें, बच्चों की एडमिशन्स को केटर कैसे करना है, हर चीज़ एक मेरे लिए नया तजर्बा था और बहुत सारे लोगों से मिलकर बहुत सीखा. तारे पड़ गए रात कठिन याद न हो बोझ रात कठिन याद न हो बोझ. को ऐसा भी प्रोड्यूस करना है जो कि इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए इन सिस्टम को कम्पीट भी कर सके. और जो दूसरी जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो है ना वो बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी हो, बेस्ट मुस्लिम हो और उनकी पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो ज़्यादा हो. अखलाकी लिहाज से वो बहुत उम्दा अखलाक के मालिक हैं. We are in a purpose-built campus from last year. So this is a value added. मतलब I was working very hard on these things also के the environment affects the people a lot. तो अगर आपके पास एक अच्छी environment हो जहाँ पे बच्चों की physical और mental growth के opportunities ज़्यादा हों और वहाँ पे congestion के किस्म का माहौल ना हो तो वो आपको ना आपको वैसे ही आपके जो ना 50% आपका मूड वैसे ही बेहतर हो जाता है. तो दैट व्हाट आई ट्राइड. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव दिस वन गोल कि हम बस अभी पर्पस बिल्ड कैंपस है. वी कैन हैव एज मेनी स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 750+. तीन साल का चार साल का बच्चा जब एनरोल करें तीन चार साल पाँच साल के बाद जब उसको देखें इन सच अ फॉर्म वेयर ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द डेक्लेमेशंस इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है उसकी स्किल्स पे इतना फोकस हो गया है वो आते जाते आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है. टीचर्स के बारे में मैं ये समझती हूँ हर इंडिविजुअल में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं. मैंने ऐसे भी टाइम्स में देखा जहाँ पे आई हैव टेकन द आई मीन फ्रेश ग्रेजुएट्स उनको खुद से ट्रेन किया तीन तीन चार चार साल से दे आर वर्किंग हेयर एंड दे आर माशाल्लाह परफॉर्मिंग वेरी वेल एज यू नो इफ यू कैन दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू दोज टीचर्स हु आर वर्किंग एंड एक्सेलिंग इन एनी अदर स्कूल सिस्टम. और इसी तरह से इसमें लीडरशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस और दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई ओड. I kept taking notes, I kept providing chances to the teachers to get trainings as many as possible. Pakistan, tum hi se ae mujahido, jahan ka sabat hai, tumhari mashal wafa. Grade 6 teacher, she was performing an experiment with the kids in the lab. अब यूजली हमारे सिस्टम में व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट वी नेवर थॉट अबाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेड 6 और ग्रेड 5 इन द लैब. वी डोंट नो इवन वी डोंट नो अबाउट द लैब. जुल्फिकार साहब और मैं कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पर भी मास्टर ट्रेनर्स अवेलेबल हों वी ऑलवेज गिव अ चांस टू आवर टीचर्स टू बी एक्सपोज टू दैट दोस ट्रेनिंग. G13 के चार सेक्टर्स हैं एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव सेक्टर राइट नाउ. आई मीन इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस और प्लाट तो बहुत से लोग उसमें वो दे कैन नॉट अफोर्ड इट. तो ये लोग इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पे. देर इज़ नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट हियर और देर इज़ नो स्पेस इवन. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का एक्सपोजर देना मुझे बहुत हमेशा से पसंद रहा है क्योंकि वो सारे पेरेंट्स जो एलीट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा के उन सबका एक्सपोजर देते हैं वाई नॉट अस. माशाल्लाह पांच बच्चों ने नेशनल लेवल पर पोजीशन ली. एक ने फर्स्ट पोजीशन ली, मुस्तफ़ा इरफान ने सेकंड पोजीशन ली एंड देयर वर थ्री चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रेड 1 and 2 जिन्होंने पाकिस्तान साइंस कॉन्टेस्ट में पोजीशन ली.
सुने धुन के एक ही धुन लहराए पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।